जो लोअर प्लिंथ में राम कथा है, वह भी उसके जो म्यूरल होते हैं, जो पत्थरों के हैं, वह भी लगाए जा सकेंगे। अपने में यह प्रगति संतोषजनक मानी जाएगी। और जो लक्ष्य है कि जुलाई 2025 तक परिसर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, अन्य जो भवन है उनका निर्माण, यह सभी पूर्ण हो जाएगा। सर, राम दरबार में जो मूर्तियां जी मूर्तियों जी हाँ, देखिए सभी मंदिर में जो 7 मंदिर हैं और जो राम दरबार है, वह राजस्थान के संगमरमर मार्बल के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। 4 स्कल्प्टर्स, उनकी शॉर्टलिस्ट कर ली गई है और एक टेंडर जो है वो घोषित कर दिया गया है। उनसे तकनीकी विवरण और तिथि, जिस तिथि तक वो निर्माण कार्य कर सकते हैं, उसका टेंडर इस माह के अंत तक खोला जाएगा और उसके बाद यह निर्णय ले लिया जाएगा कि मूर्तियों का निर्माण किन शिल्पकारों द्वारा होगा। मंदिर बनने क्या प्रगति? परकोटे में 6 मंदिर जो बनने थे, सभी पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी निर्माण की जो व्यवस्था होती है वो कई जगहों पे निर्माण कार्य को खोल दिया गया है और वह लगभग लगभग मंदिर के केंद्र को मानते हुए निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोग मार्च 2025 तक आशा करते हैं कि मंदिर और परकोटा, मंदिर जो कि परकोटा में है, वह सब मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। मंदिर माध्यम से दूसरे द्वार से आते थे, उनको कुछ टीका लगा दिया जाता है। इसलिए यह कहना कि टीका और जो भगवान का जल है चरणामृत, वह नहीं दिया जा रहा है, ये भ्रमात्मक है, पूरी तरह भ्रमात्मक है। किसी प्रकार की नई रोक नहीं लगाई गई है, सबको समान व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो सामान्य श्रद्धालु हो या विशेष लोग हो। जब उनको नहीं टीका और चरणामृत दिया जा रहा है तो अन्य को भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो कदाचित आप सबका समर्थन प्राप्त होगा कि यह तो समान व्यवहार किया जा रहा है।